इतिहास को समेटने वाली संगमरमरी इमारत देश और दुनिया में मशहूर है। जी हम बात कर रहे हैं आगरा के ताजमहल की। जब से कोरोना आया है आगरा में पर्यटकों के आने का सिलसिला भी थम गया। वहीं पर्यटकों के न आने से आगरा के दुकानदार और पर्यटन विभाग से जुड़े लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। देखिए आगरा का पर्यटन उद्योग जो है बिल्कुल अभी धरातल पे है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोविड-19 के बाद अभी टूरिस्ट वीजा शुरू नहीं किया गया है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी नहीं है। दूसरा ये जो फॉर्मर प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी वजह से जो डोमेस्टिक क्लाइंट आना है वो भी रुका हुआ है। जो डोमेस्टिक क्लाइंट आता है जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमारी रोजी रोटी चल रही थी वो भी बंद है। और दूसरा सबसे पहले फ्लाइटें चालू करनी चाहिए इनको और टूरिस्ट वीजा का अनाउंसमेंट करना चाहिए जब भी थोड़ा पर्यटन उद्योग को आगरा के पर्यटन उद्योग को थोड़ा फायदा होगा। देखिए ताजमहल खुले हुए काफी समय हो गया है लेकिन उस तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। जैसे सबसे पहली चीज ये यहाँ पे टिकट विंडो है ओपन नहीं की गई है क्योंकि हर आदमी एंड्रॉइड नहीं लेके आता और हर आदमी टिकट बुक नहीं कर सकता ऑनलाइन, तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है। टूरिस्ट परेशान रहता है और काफी दिक्कतें आती हैं। इन लोगों का कहना है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बंद होने की वजह से विदेशी सैलानी ताजमहल का दीदार करने नहीं आ पा रहे। देखिए लॉकडाउन में तो क्या स्थिति थी, पूरा देश बंद था, ये तो सभी लोग जानते हैं। अनलॉक किया गया था तो उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों के व्यवसाय शुरू हुए थे, होटल्स भी स्टार्ट हुए थे। लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी, जो उद्योगपतियों को उम्मीद थी, होटेलियर्स को उम्मीद थी, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है क्योंकि विदेशी सैलानी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी बंद हैं। जिस दिन विदेशी सैलानी यहाँ पर आने लग जाएंगे तो मेरे हिसाब से फिर लोगों को और ज्यादा गति मिलेगी और उद्योग में भी काफी प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द फ्लाइट्स चालू की जाएं, विदेशी सैलानी यहां पर आएं, जिससे सभी लोगों को व्यापार मिले, उद्योग आगे बढ़े। लोगों ने एक सुर में सरकार से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सेवा शुरू करने की अपील की है। लोगों का कहना है कि विदेशी सैलानियों के आने से उद्योगपतियों को काफी नुकसान हो रहा है। विदेशी सैलानियों के आने से व्यापार में सुधार होगा, इससे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही हम जैसे छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। बहुत डाउन चल रही है क्योंकि विदेशी पर्यटक आते हैं, वही लोग खाते पीते हैं, उनकी वजह से ज़रा चल रहा है। तब तो लॉकडाउन भी खत्म हुआ है, बैठे हुए हम एक तरह से। नहीं सब कुछ नहीं, बिल्कुल जो देशी पर्यटक आते हैं वो अपना खाने पीने संग लेके आते हैं। जो कोई कुछ चाय पी रहा है तो कोई ठंडा पी रहा है, पर ये चल रहा है सर। ये चाहते हैं कि मतलब फ्लैट चालू हैं, विदेशी पर्यटक आए, उससे जो और दुकानदार हैं मार्बल वाले हैं, होटल वाले हैं, उनका नेट चले, हम सबका चले, ये चाहते हैं सर और क्या है। वाकई कोरोना काल में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुए हैं जिससे पर्यटन विभाग भी अछूता नहीं है, या यूं कहिए कि सबसे ज्यादा असर पर्यटन विभाग पर पड़ा है, जिसके बाद अब पर्यटन उद्योग धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में अब आगरा से ये मांग उठी है कि इंटरनेट फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।